बट हम लोग कहाँ तक एक्सेप्ट करें? आप लोग हमें घर से हमारे देश से बाहर कर रहे हो, वी एक्सेप्ट इट। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कैब के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन लगातार जारी, आप देख सकते हैं इंडिया गेट पर मौजूद हैं, पीछे भी भीड़ है और यहां पर पोस्टर बैनर्स के साथ खुद महिलाएं हैं, पुरुष भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो लगातार गुस्से में है नो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं जिनके हाथों में इस तरह के बैनर्स हैं, वी आर अगेंस्ट एनआरसी एंड कैब, इस तरह के स्लोगन्स यहाँ पर हैं और लगातार जो है प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आपने देखा कि कल भी लगातार रात देर रात तक प्रदर्शन चलता रहा और उसके बाद आज भी इसी तरीके से जारी है। लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने जो बर्बरता की है, जो छात्रों को अंदर घुसकर मारा, उसके बाद अभी भी लोग सड़कों पर हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और यही बात है कि कैब और एनआरसी को बैन किया जाए, उसको हटा दिया जाए। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं जो सब कुछ हो रहा है? ये इसको हटाने, वापसी लेना पड़ेगा इसको, वरना हम ऐसे ही खड़े रहेंगे चौराहे पे, हम कहीं नहीं जाएंगे। कब तक चलता रहेगा ये और क्या लगता है, क्या रास्ता कोई निकलेगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा? हम सरकार को झुकाना नहीं चाहते, बस हम कहते हमारी जो हम कह रहे हैं, हमें सुनो मोदी सर ने कि हमें यही विकास दिखाया था कि हम सड़कों पर आ गए, इतना विकास हमारे कि हम सड़कों पर आ गए, इतने इनसिक्योर हम अपने घरों में, अपने बच्चों को हम पढ़ने भेजते उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर हम कहाँ सिक्योर, हमारे बच्चे कहाँ सिक्योर है? सर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, मोदी सर प्लीज, ये विकास नहीं है, हम सड़कों पर आ गए हैं, ये विकास नहीं है हमारे इंडिया का, ये हमारे इंडिया नहीं है, प्लीज सर हेल्प मी। आप बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, आप वहाँ क्या जवाब देंगे, ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, आप ये जवाब देंगे वहाँ पे? आपसे किसी ने पूछ लिया वहाँ की मीडिया ने, आप वहाँ पे क्या जवाब देंगे सर? आप हमें जवाब नहीं दे पा रहे, आप लोगों क्या जवाब देंगे? आप हमारे सामने नहीं आ रहे, हमसे कुछ बात नहीं कर रहे, कल से परसों से ये सब हो रहा है, आपने कुछ नहीं कहा सर। लगता है कि सरकार की पूरी तरह से इस पर चुप्पी है, उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या कुछ होगा आगे, किस तरीके से है, इस पर आकर अपना पूरा स्पष्ट करना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल, उन्हें सब सामने आके कहना चाहिए, बताना चाहिए, कुछ तो बात करें। लेकिन जिस तरीके से जो जामिया यूनिवर्सिटी में हुआ, कैंपस में घुसी है पुलिस लगातार, कितना गलत है, पूरे इंडिया में हर जगह यही हो रहा है, पुलिस हमारी, हम हर कुछ प्रॉब्लम होते हैं पुलिस के पास जाते हैं, किसके पास जाए, ये गुंडागर्दी तो नहीं चलेगी ना, पुलिस के पास जाते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम होती है पुलिस के पास जाते हैं, बताइए हम कहाँ जाएं? गुस्सा बहुत ज्यादा है, आप क्या कहेंगे, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ी होंगी, क्या जिस तरीके से जो जामिया का माहौल है, यहाँ का कैसा माहौल दिखाई दे रहा है और जो आपके और भी जो जान पहचान के वहाँ पर हैं, रिश्तेदार हैं या कोई भाई है, वो क्या कह रहे हैं, कैसी तस्वीर वहाँ से निकल कर आ रही है जिस तरीके से पुलिस ने अंदर घुसकर उन पर? वी आर जस्ट अगेंस्ट कैब, वी आर जस्ट अगेंस्ट एनआरसी, प्लीज स्टॉप इट, क्योंकि हम चाहते हैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप हमें इंडियन बोलते हो तो हमें इंडियन रखो ना, आप ये नॉन इंडियन में हमें क्यों डिवाइड करना चाह रहे हो? जब गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, तो आपके अंदर ऐसा कौन सा माइंड है कि आप ये सब रूल लागू कर रहे हो? कौन से रूल? ट्रिपल तलाक वी एक्सेप्टेड एंड बाबरी मस्जिद वी एक्सेप्टेड, बट हम लोग कहाँ तक एक्सेप्ट करें? आप लोग हमें घर से हमारे देश से बाहर कर रहे हो, वी एक्सेप्टेड, हम ये एक्सेप्ट करें? आप लोग हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? वी आर नॉट इंडियन। आप लोग वोट के टाइम पे हम लोगों को झूठी झूठी सहानुभूतियां देते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, ये वादे आपके ये दिन दिखाने के लिए आप हमसे वोट मांगते हो? जब ये दूसरी गवर्नमेंट आई थी मोदी की, तो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पे खड़े ऐसे पोस्टर लेके फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ, ये विकास ही तो है, ऐसा विकास तो हर देश में होना चाहिए। विकास होगा उसका फ्यूचर क्या होगा? जिस देश का ऐसा विकास होगा उसका फ्यूचर क्या होगा, खुद सोचिए आप। आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो गुस्सा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और लगातार लोग इस तरीके से खड़े हुए हैं और साफ तौर पर स्लोगन भी है कि तानाशाही नहीं चलेगी, तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपने सुना कि किस तरीके से दर्द साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री विदेश में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे वहां की मीडिया को, इस तरह की बात लगातार हो रही है और लगातार हम आपको सामने रखते रहेंगे और सबसे अपील करेंगे कि आप नागरिक हैं, आपको अधिकार है प्रदर्शन का, शांतिपूर्ण कीजिए। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि पुलिस जो जिस तरीके से सब कुछ किया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, शांति जरूर बनाए रखिए। जी बताइए सर। सर देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जिस टाइम पे वोट दिए जा रहे थे, जिस टाइम पे चुनाव चल रहा था, उस टाइम पे इतना सब कुछ चल रहा था कि हम विकास करेंगे, हम ये करेंगे, हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, हम सब कुछ लाएंगे, लेकिन आज अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, बेरोजगारी है, सब कुछ है,
यहाँ पे इतना सब कुछ चल रहा है और उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े बिल पास करके सारी चीजें करी जा रही हैं। 370 हटाई, उसका विरोध हुआ, नेट बंद कर दिया, 144 लगा दी, 5 महीने से ज्यादा होने वाले हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब यहाँ पे आप कैब और एनआरसी लागू करने के बाद, उसका बिल पास करने के बाद, अगर ये सारी चीजें आप बैकवर्ड में रख के और इतनी बड़ी बड़ी चीजों को सामने लाओगे, ना सामने नहीं ला सकते तो कुछ मत करो आप। कम से कम इतनी बड़ी, जो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन पे, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको मारो मत। देखा, जो भी देखा है, गोलियां चली हैं। कल जामिया के अंदर मैं खुद वहां पे था, आंसू गैस के गोले स्टूडेंट के ऊपर, हॉस्टल से निकाल के मारा जा रहा है बच्चों को, लाइब्रेरी से बच्चों को निकाल निकाल के मारा जा रहा है। तो ये सब सर, ये सब नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नारेबाजी हो रही है और गुस्सा बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार सब यही बात कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, और इस तरह की बातें सामने आ रही है। कहा जा सकता है कि अभी कैब का विरोध लगातार सड़क से जारी है, जनता सड़कों पर उतरी हुई है, ठीक इसी तरह। इस वीडियो